दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा MCC वर्सेस PCC के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप भी करा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में देखो खाती वाला तो लास्ट मैच खेले नहीं थे, अगर ये मैच खेलते तो ये बेस्ट पिक हो जाएंगे, फिर तो हम इनको ही अपनी टीम में रखेंगे। बाकी तो यहाँ पे बाबू का ऑप्शन होने वाला है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे हो जाता है, लेकिन अभी हम इनको लेके चल रहे हैं। बाकी खाती वाला खेलेंगे तो फिर उनको ही लेके चलने वाले हैं। दोस्तों बैटिंग के बारे में बात करें, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास नज़ारे का ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो वो आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आने वाला है। वहीं पे अगर हम यहाँ से इनकी परफॉर्मेंस वगैरह भी देखें दोस्तों किस टाइप की रही है, तो रीसेंट में कुछ इतने रन तो करे नहीं, लास्ट 5 में से सिर्फ 2 ही मैचेस में इनकी बैटिंग आई है, जिसमें एक मैच में इन्होंने 8 रन करे थे और एक में 12 रन करे, तो आप देख सकते हो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। रामामूर्ति लास्ट मैच खेले नहीं, वरना नंबर 4 पे बैटिंग करते, तो अगर खेलेंगे तो फिर हम रख सकते हैं। इनके अलावा RG का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों बैटिंग ऑर्डर जो है आपको थोड़ा सा नीचे ही नज़र आने वाला है। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें किस टाइप का परफॉर्मेंस रहने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो नंबर 5-6 पे ये वैसे बैटिंग करते हैं और रीसेंट में 5-6 मैचेस में तो बैटिंग ही नहीं आई, तो आप देख सकते हो। इनके अलावा यहाँ पे PS का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम इनके परफॉर्मेंस के भी बारे में बात करें किस टाइप का रहेगा किसका नहीं, तो यार रीसेंट में 0 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 9 रन इन्होंने करे, 20 रन इन्होंने करे, 1 रन करे, तो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे प्रकाश जी का तो इनका भी कुछ खास रहा नहीं है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो ग्लेडसन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम इनके बारे में भी बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें दोस्तों, क्या इनका बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है, तो भाई ये रीसेंट मैचेस के बारे में बात करें, लास्ट 5-6 मैचेस में तो सिंगल मैच में ही बैटिंग नहीं आई, तो आप देख सकते हो नंबर 9-10 पे खेलते, जो कि बहुत नीचे हो जाता है। पी जसवाल लास्ट मैच खेले नहीं, भाई ये मैच खेलते तो फिर ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे एम ठाकर का ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करें एम ठाकर का क्या रहेगा, रखना है नहीं रखना, तो वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ। सेम यार इनका भी बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे ही नज़र आने वाला है, तो मे बी आप इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हो। देखो बैटिंग में यहाँ पे ऑप्शन बहुत है, लेकिन सभी का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है। जो टॉप ऑर्डर में खेलते जैसे रामामूर्ति हो गए, पी जसवाल हो गए, अब इनको लास्ट मैच में मौका ही नहीं, लास्ट मैच ही खेले नहीं, तो ये मैच खेलेंगे तो फिर इम्पोर्टेंट है। बाकी अभी आप श्रीधर को अपनी टीम में रखिए, क्यों, क्योंकि ये प्लेयर जो है आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएगा। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, शानदार 17 रन इन्होंने करे, उससे पहले 19 रन इन्होंने करे, तो मुझे लगता है आप इनको ही अपनी टीम में फ़िलहाल के लिए लेके चल सकते हो। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, डेविजी का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, ओपन करते हुए नज़र आएंगे, लास्ट में 51 रन करे, उससे पहले 50 रन इन्होंने करे थे, 75 रन इन्होंने करे, 1 रन करे, 70 रन इन्होंने करे, 100 प्लस रन भी इन्होंने करा था, तो इनकी फॉर्म शानदार चल रही है, आप इनको अपनी टीम में आसानी से लेके चल सकते हो। बॉलिंग तो खैर करवाते नहीं है, लेकिन बैटिंग से मस्त इंपॉर्टेंट है।
ओ शर्मा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एक और आपके पास अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं जिनको आप रख सकते हो। लास्ट मैच के बारे में बात करें, एक विकेट निकाले, उससे पहले जीरो, फिर अगेन जीरो, फिर जीरो, फिर एक विकेट। अच्छी बात ये है कि ये थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते, ऊपर ही मिडिल ऑर्डर संभालते, तो आप इनको रख सकते हो। अब एस रॉय लास्ट मैच खेले नहीं दोस्तों, अगर ये मैच खेलते तो एस रॉय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, फिर तो हमें इनको रखना ही पड़ेगा। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं एस रॉय का किस टाइप का रहेगा, आपको रखना है नहीं रखना है, तो वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। अगर एस रॉय खेलते तो आंख बंद करके इनको रख लीजिएगा। नंबर 3 पे बैटिंग करते प्लस बॉलिंग करते, रिसेंट में 26 रन इन्होंने करे, उससे पहले 18 रन इन्होंने करे, फिर अगर मैं बात करूँ 54 रन इन्होंने करे, 33 रन इन्होंने करे, इन 4 मैचेस में 5 विकेट निकाले वो अलग। अगर ये बंदा खेलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर तो हमें इनको रखना पड़ेगा। अभी तो मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को कन्फर्म नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन मे बी इस मैच में खेल ही लेंगे, तो आप इनको रख सकते हो अभी, वरना टॉस के बाद रख लीजिएगा। अशोकन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो दोस्तों। परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करते हैं किस टाइप का रहेगा यार। अगर देखोगे ना, ये वैसे थोड़ी से रिस्की ऑप्शन भी रहते हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें, नंबर 4-5 पे कर लेते, रीसेंट में 1 रन इन्होंने करा, 0 रन इन्होंने करे, 19 रन इन्होंने करे, 8 रन करे, कुछ मैचेस में ये कभी बॉलिंग भी नहीं करवाते, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है। बाकी रीसेंट के 5 में से 3 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं, तो मे बी इस मैच में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाए। बाकी अगर नहीं करवाएंगे, कोई अपडेट मुझे मिलता है तो हम इनको ड्रॉप कर देंगे, वो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि बॉलिंग करवाएंगे नहीं, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आर तोमर एक और आपके पास अच्छे ऑप्शन होने वाले, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट ओवर में 25 रन करे, और वहीं अगर मैं बॉलिंग से भी बात करूं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, लास्ट मिनट में तो कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन देखो बैटिंग बॉलिंग करते इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पे वी कुमार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले, उससे पहले मैं कोई विकेट नहीं निकाल पाए, फिर विकेट इन्होंने निकाले थे। एक अच्छे बॉलर आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो स्पिन बॉलिंग करवाएंगे तो विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। बाकी ए पार्कर आपके पास एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, बैटिंग बॉलिंग करके देंगे, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन रीसेंट फॉर्म गजब की चल रही है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बैटिंग से अच्छा कर रहे थे लास्ट मैच में दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पे के कुरुंग, इस मैच में जो एक ट्रंप प्लेयर होने वाला है वो आपके लिए ये होने वाले गुरुंग, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इनको ठोक सकते हो, ये आपको बॉलिंग और बैटिंग करके देंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 1 विकेट इन्होंने बॉलिंग से निकाला था, और उस मैच में 30+ रन इन्होंने करे थे दोस्तों। आपके लिए एक मस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग में आग बंद करके कैप्टन कर सकते हो। वर्षने का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, लास्ट रन में 1 विकेट इन्होंने निकाला था दोस्तों, और इस टूर्नामेंट में अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा है। इनके अलावा कोई खास ऑप्शन नहीं है, मैं लेके चल रहा हूँ, 7 हमारे ऑलराउंडर रहेंगे दोस्तों। बाकी एस रॉय खेलते तो इम्पोर्टेंट हो जाते, अगर बैटिंग से हम बात करें पी जसवाल खेलते तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। पी जसवाल के बैटिंग ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर खेलते तो ओपन करते हुए नज़र आने वाले हैं, तो इनको आँख बंद करके रख लीजिएगा। लास्ट ओवर में 32 रन इन्होंने करे, उससे पहले 22 रन इन्होंने करे, 39 रन करे, 15 रन करे, तो पी जसवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन पी जसवाल लास्ट मैच खेले नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो गुरुंग जो है खेल रहे थे दोस्तों, यहाँ पे के गुरुंग को मौका मिल गया था, तो ये ओपन कर रहे थे, तो इसलिए जसवाल को यहाँ पे मौका नहीं मिला। बाकी ऑलराउंड बैटिंग में यहाँ पे रामामूर्ति भी अगर खेलते तो ये नंबर 3 पे बैटिंग करने वाले हैं दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इनका भी आपको एक बार मैं परफॉर्मेंस बताया था, रीसेंट में 15 रन करे, फिर 9 रन करे दोस्तों, 33 रन इन्होंने करे, 10 रन करे, ये इनकी रीसेंट की 4 मैचेस की इनिंग्स रही है। परफॉर्मेंस एवरेज है, लेकिन आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। इनके अलावा अब बात करें दोस्तों बॉलिंग के बारे में, यहाँ पे एस पटेल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो। लास्ट मैच के बारे में बात करें, 1 विकेट इन्होंने निकाला था, रीसेंट में एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, पहले बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पे जिस सैमुअल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें यार, इनके ओवर वगैरह कट सकते हैं, थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। पी यादव लास्ट मैच में मौका ही नहीं मिला दोस्तों, बाकी अगर पी यादव भी खेलते तो इस मैच में एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, रीसेंट का क्या रहा है क्या नहीं रहा। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें दोस्तों, 6 विकेट इन्होंने निकाले, खेलते तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाते। इनके अलावा डी रमानी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, इनको भी रख सकते हो, डेट में भी बॉलिंग करवा लेते, लास्ट में 1 विकेट निकाले, रीसेंट के 4 मैचेस में 3 विकेट अभी तक निकाल चुके। टी कुमार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों,
परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं टी कुमार के, तो इनके भी ओवर वगैरह कर सकते हैं। आर सोलंकी का एक अच्छा ऑप्शन है, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, और स्मॉल लीग में भी रख सकते हो। स्पिन बॉलिंग करवाएंगे, विकेट निकाल के दे सकते हैं। लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, रीसेंट के 5 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट निकाले, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए एक मस्त पिक होने वाले हैं। बाकी दिवाकरण का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। ओवर इनके कटने के वैसे चांस रहते, लास्ट ओवर में तो विकेट इनको नहीं मिला। कुंबा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में ओवर वगैरह कर सकते हैं, ये भी रिस्की प्लेयर हो जाते हैं। आप यहाँ से पटेल और रमानी को रख सकते हो, बाकी अगर यहाँ से पीसीसी बैटिंग करती है तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके सोलंकी के साथ भी हम चल सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, देखो जिस तरीके की फॉर्म में देवी चल रहे हैं, आपके लिए एक मस्त ऑप्शन होने वाले। इनके अलावा आप ए पार्कर के साथ जा सकते हैं दोस्तों, आर तोमर के साथ भी जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन होने वाले। भाई अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, ग्रूम को जरूर कर दीजिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन। फिलहाल मैं इन दोनों को सीवीसी कर रहा हूँ। अभी के लिए ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करना और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।